हमारे हीरोज पैलेट सिटी वापस लौट रहे हैं प्रोफेसर ओक का रहस्यमय जीएस बॉल लेकर, पर आज वो थोड़ी देर के लिए आराम करने रुके हैं। Come on, come on.
अपने पोकेमोन का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। मैं ही मार जीतूंगी। संभल कर। लगता है गोल्डन हारा और टेंटाक्रूल जीत गया। टेंटाक्रूल एक वाटर टाइप और पॉइजन टाइप दोनों हमले कर सकता है ना? इसलिए वो लड़ने में इतना अच्छा है। तुम ठीक हो ना? अच्छी कोशिश की। अब मैं चलती हूँ। मुझे सायु बहुत पसंद है। सारे वाटर पोकेमॉन में से सायु मेरा फेवरेट है। और तुम्हारा सायु कितना चमक रहा है। सच में सायु को चमकदार रखने के लिए मैं उसे रोज पॉलिश करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम लोग मैच भी खेलोगे? जैसा ना समझ नहीं दिख रहा। हाँ, मैं भूल गया कि साइडक कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता तुमने अपने साइडक को कैसे ट्रेन किया है बेस्टी, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर साइडक को ठीक से ट्रेन किया जाए तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। होगा मिस्टी, ट्रेसी ने सही कहा। और साइडर विकसित होगा गोल्डक में। हमेशा मुझसे सारा काम कराती है। साइडर का पोकेबॉल कौन सा है? ठीक है, ये लो। माफ करना मिस्टी। उम्मीद है मुझे मिल जाएगा। क्या हुआ? नामुमकिन। अच्छी बात है, इतनी जल्दी विकसित हो गया। पसंद करती है क्योंकि साइडक मिस्टी के लिए विकसित होना चाहता था और वो उसे खुश करने के लिए हो भी गया। मुझे पता है हम एक अच्छी टीम बनेंगे गोल्डा। ऐसा पोकेमॉन मैंने पहले कभी नहीं देखा। वाह, अब हम पिकाचू के साथ साथ उसे भी पकड़ लेंगे। Yeah.
सकते हैं। हाँ शायद। देखे तो हमने कैसे पोकेमॉन पकड़े। और कौन है वो पिकाचू और अनोखा डक कहाँ है? पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? मरीना, टीम रॉकेट ने तुम्हारे साइड डक और टेंडर क्रूल को पकड़ लिया है। चिंता मत करो, हम उन्हें छुड़ा लेंगे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही उन्हें छुड़ा लूंगी। जाओ। हमने इतनी मेहनत क्यों की? चिल्ला मत, इस हमले का प्लान मेरा नहीं था। चिल्लाना बंद करो। ये तुम्हारा आइडिया था। यही वो लीला पोकेमॉन है। चलो इसे उसे झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है फाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, देखो या लड़ाई। नो, कुछ नया डायलॉग बोलना चाहिए ना। अच्छा होगा पोकेमॉन हमें वापस दे दो। ले लो। वैसे भी हमें ऐसे पोकेमॉन नहीं चुरा रहे हैं जो कॉमन हो। जितना जल्दी लोगी उतना ही अच्छा। एक मिनट रुको। अगर तुम्हें ये चाहिए तो पिकाचू हमें दे दो। हाँ? क्या जबरदस्त आइडिया है। तुम्हारे पास दिमाग भी है। मैं तुम्हें पिकाचू कभी नहीं दूंगा। रुको पिकाचू, अगर तुमने शॉक अटैक किया तो टेंटाक्रू और साइडक को भी शॉक लगेगा। अब तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर है, दो पोकेमॉन के बदले एक पिकाचू। क्या हुआ तुम दोनों को? पिछले मैच की वजह से वो दोनों थक गए होंगे और कमजोर पड़ गए हैं, तो मुझे खुद ही उन्हें छुड़ाना होगा। मरीना, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। दिखाई नहीं देता कि हम बात कर रहे हैं? अब वापस जाओ। पहले मुझे मेरे पोकेमॉन वापस दो और बॉक्स सबक सिखाओ इसे। ओह ये क्या, वो फिर से मैच खेल रहे हैं। फिर हमारे पोकेमॉन मैच को अंजाम देने का।
है साई डक? साई लगता है कि वो अपने पोके बॉल में आराम कर रहा था। इस जंगली गोल्डक ने तुम्हें उल्लू बनाया है ना मिस्टी? तुम्हें खुश होना चाहिए मिस्टी, इससे साबित होता है कि तुम एक काबिल वाटर पोकेमॉन ट्रेनर हो। तुम बस कहने के लिए कह रही हो। तुमने उस जंगली पोकेमॉन को बिना पकड़े और बिना ट्रेनिंग दिए ये मैच आसानी से जीत लिया। अच्छा हाँ। तुमने काफी अच्छा काम किया मिस्टी, पर इसका मतलब है तुम्हारी आखिरी लड़ाई गिनी नहीं जाएगी। क्योंकि अगर वो तुम्हारा पोकेमॉन नहीं था तो उसे कैसे गिना जाए? शायद मैं गलत था, वो पसंद नहीं थी। भले ही मिस्टी को गोल्ड डक नहीं मिला, पर उसने ये साबित कर दिया कि उसमें भी पोकेमोन मास्टर बनने का हुनर है। संभल कर ऐश, मिस्टी भी कुछ कम नहीं है।